Hi, Auntie. पल्लवी कहाँ है? पल्लवी, पल्लवी। हाय अंकल, नाश्ता हुआ? पल्लवी कहाँ है? हाय पल्लवी, आज तुम्हारे घर वाले बात क्यों नहीं कर रहे? तुम भी नहीं बोलोगी? पूर्णिमा, तू तो बोलना। आखिर बात क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या कर रही है? आज हमारा मौन व्रत है। तुम बात किए बिना कैसे रहती हो? मैं भी देखती हूँ। चल ऑफिस। हो गया क्या? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्या हुआ भाई? इतना हाफ क्यों रहा है? भाई वो अंडा अंडा से बाहर है। उसको वापस पूछ, देगा या नहीं? नहीं तो उसे खत्म कर, खत्म कर। हाँ बड़ा काम भी। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ हाँ, क्या जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आइए बैठिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। अंबी के पीछे 5-10 बॉडीगार्ड होंगे, ऐसा मेरे को लगा था, पर तुम तो वन मैन शो अंबी। जो जान की परवाह करता है वो बॉडीगार्ड रखता है, और जो जान छिड़कता है वो ऐसे दोस्तों को रखता है। क्या अन्ना, जब से आए हैं बात ही कर रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं, भूल गए क्या? ए, अंबी की बात बिल्कुल सही है। रुक जाओ, रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तलवार मैं तुम्हारे भाई को तोहफे में देने के लिए आया था। ये बात है। राजा को टपकाने की खुशी में मेरी तरफ से ये खास तलवार तुम्हारे लिए। ये हमारे पुरखों की तलवार है। उस राजा को मारने की वजह कुछ और थी। वजह चाहे कुछ भी हो, फायदा तो मेरे को हुआ ना। बैठिए। इन्होंने अपने पुरखों की चीज तोहफे में दी है, हम अपने पुरखों की चीज तोहफे में देंगे। लेकर आ। हाँ भैया, लेकर आता हूं। देखा, ए इसका काम हो गया ना, चल भगा इसे। अंबी सर, अंबी सर, मेरे को एक बात पूछनी है। तुम जब घुसाते हो तब भगवान का नाम लेकर घुसाते हो? तोहफा आ गया, लेकर जाइएगा। ये लो भैया। वाह वाह, गा गा गा। ये है हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। ए पकड़ो इसको। हाँ, नीचे बैठो बैठो बैठो। वाह वाह, क्या वस्तु है, क्या कारीगरी है। मामा अंबे, इसकी कीमत क्या होगी बताओ ना। ये क्या कह रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। वो बोल रहा है इसके बल्ब चाहिए। ए गुरु, ये फोटो की बिल्डिंग कहाँ है और इसका रेट कितना है, ये पूछ रहा है। इस महल को कौन नहीं जानता, ये मैसूर पैलेस है। इस फोटो की कीमत कुछ हजार रुपए है। इसकी कीमत कुछ हजार रुपए है ना? अम्बे, मैं इस फ्रेम की कीमत नहीं पूछ रहा हूँ, इस ओरिजिनल बिल्डिंग की कीमत पूछ रहा हूँ। क्या अम्बे, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जो चीज पूछ रहे हो वो बिकाऊ नहीं है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई नहीं खरीद सकता। ए, ये बिल्डिंग अगर मैं अपनी बीवी को दूं, वो भी तीसरी वाली को, तो वो मुझ पर खुश होगी ना। हाँ भैया। अम्बी, तुम्हें जिसका रेट फिक्स करके मेरे को लेकर देना। मैंने कहा ना, ये चीज नहीं मिल सकती, भूल जाइए। नहीं, मैं अपना पूरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, पर ये प्लेस नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ए सिल्वा, ये हमारी देश की शान है, एक बार बोला ना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्या मेरे को नहीं मिलेगा? मेरे को नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ए जल्दी बॉम्ब लेकर आओ, बॉम्ब डालो, सारा बिल्डिंग उड़ा दो। दोस्ती में जान मांगोगे तो हम खुशी से दे देंगे, पर देश का सौदा किया तो चाहे भगवान ही क्यों ना आए, तेरी जान लेकर रहेंगे। अगर दोबारा तू और तेरे आदमी मुझे कहीं भी नजर आए ना, तो मैसूर पैलेस के सामने तुझे दफना दूंगा, समझा? बड़े भैया, हमको माफ कर दो, हम जाता है। आई एम वेरी सॉरी, अपना गुस्सा थूक देना, सभी भाषाओं में सॉरी बोलता हूँ। ओम शांति ओम। ओके,
इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखे क्या? क्या बॉस, प्रॉपर्टी की बात करते करते अचानक ट्रैक बदल दिया ना। प्रॉपर्टी की बात करने पर तुम्हारे भाई ने मेरी मुंडी पर तलवार रख दिया, और ज्यादा बोलता तो काट देता। हेलो हेलो हेलो, बात कीजिए। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो पल्लवी। दिल में तू ही तू, इस दिल में तू ही तू, प्यार है तुमसे अब मैं क्या करूं। मन को लगे प्यारा तू, मन को लगे प्यारा तू, इश्क है तुमसे क्या अब मैं करूं। दिल की दीवानगी से मिलते हैं जग में। इस दिल में तू ही तू, इश्क है तुमसे अब मैं क्या करूं। दिल की दीवानगी से मिलते हैं जग में दो प्रेमी। क्या तन्हाइयाँ, ये प्यार मैंने तुमसे है जाना। इस प्रीत की ये रीत है, दूर मुझसे न तू जाना। हर वक्त मैं तेरा साथ दूँ, कहीं जो कर ले जमाना। इस दिल में तू ही तू, प्यार है तुमसे अब मैं क्या करूं। हेलो हेलो, कल तुमने बात क्यों नहीं की? सॉरी, मैंने कल मौन व्रत रखा था, महीने में एक बार रखती हूँ। क्या मौन व्रत? मौन व्रत मतलब बात ना करना होता है ना, तो आपने फोन क्यों किया? आप ही ने कहा था ना दिन में एक बार फोन जरूर करना, इसलिए किया था। बात ना करते हुए भी कितनी बातें हुई ना। कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ कहना है, आपसे मिलने का दिल कर रहा है। मेरा भी दिल यही करता है, आपसे मिलना, आपसे बहुत सारी बातें करना।
कहाँ मिलना है? आप ही बताइए ना। क्या ऑफिस के पास? अरे नहीं, वहाँ नहीं। एक काम करते हैं, कल कोर्ट में मुझे कुछ काम है, शाम को 5 बजे वहीं मिलते हैं। लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? दो दिल एक दूसरे को पहचान लेंगे। क्या कहा? आपका फेवरेट रंग कौन सा है? मैं उसी कलर की ड्रेस पहनकर पहुंच जाऊंगा। मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है। तो ठीक है, कल शाम को 5 बजे कोर्ट के पास भाई आ जाएगा। भाई? आप अपने भाई को भी साथ लाएंगे? मतलब मैं खुद आऊंगा। बाय बाय। अम्मी, रातों रात तुमने इस घर का उलिया ही बदल लिया ना बाप। क्या घर को नर्सिंग होम बना दिया है क्या? ए किशन, इधर आ। हाँ भी। इधर आ ना। हम कुछ देर पहले यहाँ पर बात कर रहे थे क्या? नहीं तो? घर का हुलिया ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। कुछ भी नहीं बदला? नहीं, कुछ भी नहीं बदला, पर तुम जरूर बदल गए हो। पता नहीं क्या हो रहा है।